गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन के अंडर शहर के कई मुख्तलिफ मसाजिद से पेश इमाम और मौजन अपने मसाइल को लेकर नॉर्थ एमएलए और स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर कनीस फातिमा के घर पहुंचे और मेमोरेंडम के जरिए अपने तमाम इश्यूज पर बात किए हैं। दरअसल दीगर स्टेट के मुकाबले कर्नाटका स्टेट में वक्फ बोर्ड के जरिए काफी कम हदिया दिया जा रहा है, जिसमें पेश इमाम और मौजन के अखराजात पूरे होना नामुमकिन है। तेलंगाना और दीगर स्टेट में पेश इमाम और मौजन को हर महीना 10 से 15 हजार और उससे भी ज्यादा हदिया दिया जाता है और कर्नाटका स्टेट में वक्फ बोर्ड के अंडर करोड़ों रुपयों का फंड मौजूद है, पर इसके बावजूद पेश इमाम और मौजन को सिर्फ 3 से 4 हजार रुपया दिया जाता है और वो भी इन्हें कभी मिलता है तो कभी रोक दिया जाता है। तमाम पेश इमाम और मौजन ने एमएलए कनीस फातिमा से मुतालिबा कर कहा हर महीना पेश इमाम को 15 हजार और मौजन को 10 हजार रुपया हदिया दिया जाना चाहिए और मरहूम खमरुल इस्लाम ने यह वादा किया था कि जिन पेश इमाम और मौजन के पास जातिया घर नहीं है उन तमाम को घर अलॉट किया जाएगा, जिसको आज तक पूरा नहीं किया गया है। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए और स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर कनीस फातिमा ने इमाम और मौजन की परेशानियों को सुन ये तयखुन दिलाया है कि मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान से मुलाकात कर इमाम और मौजन के मसाइल पर बात की जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन अपने तमाम अहदेदारान और जनरल बॉडी के साथ मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा एमएलए से मुलाकात करने के लिए आई थी। आज आने का हम तमाम का मकसद ये यहाँ पर ये था जो एमा से जुड़े हुए मसाइल हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड से आने वाला हदिया जिसमें हर महीना ताखिर हो रही है। इसके अलावा जो बड़ा अहम मसला वो ये था कि वक्फ बोर्ड के जो हदिया दिया जा रहा है वो उसमें इजाफे का भी हमारा मुतालबा था। इसके अलावा जो रमज़ान बिलखसूस जो एक पैकेज जो जारी किया जाता था माजी कदीम में उसकी रुकावट जो थी वो भी था। इसके अलावा दीगर कई एक अहम मुद्दे और मसाइल थे जिसको लेकर आज मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा से तमाम एसोसिएशन के अहदेदारान और जनरल बॉडी जो हमारी थी उनकी तमाम की मुलाकात हुई और ये गुफ्तगु काफ़ी हद तक सक्सेसफुल और कामयाब भी हो सकती है। इसमें मैडम साहिबा ने तयक़ुन भी हमें दिया है कि वो इसको लेकर सीएम और बीएसएड जमीर अहमद खान साहब जो कि वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर भी हैं उनसे भी वो इस पर मुद्दे पर बात करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो बहुत जल्द बीएसएड जमीर अहमद खान साहब से वक्त भी लेंगी और यहाँ से एक वफद को बुलाकर उनके सामने भी ये तमाम मुतालबात रख कर इसकी जल्द से जल्द इकसुई के लिए वो काम करेगी। तो लिहाजा आज बहुत सारे उलमा इकराम यहाँ पर आए थे, हमने अपनी जानिब से एक मेमोरेंडम भी दिया जिसमें इन तमाम बातों को रिटर्न में मुतालबात की शक्ल में पेश किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा इकराम और कनीस फातिमा साहिबा एमएलए का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त काफ़ी हमको देकर और काफ़ी मुतमईन बख्श उन्होंने जवाबें दी। उम्मीद है इस पर जल्द से जल्द प्रैक्टिकल शक्ल में अमली जामा भी पहनाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन के तमाम कारकुनान व अहदेदारान के साथ मोहतरमा एमएलए कनीस फातिमा साहिबा से हमारे चंद मुतालबात को लेकर इशूज़ को लेकर हम हाजिर हुए थे और हमारे तमाम इशूज़ को हमने रखा, जैसे वक्फ बोर्ड के हदिये के ताल्लुक से लेकर और उसके इंक्रीजमेंट के ताल्लुक से लेकर और उसमें पंचुअलिटी लाने के ताल्लुक से लेकर और एक प्रोसेस जो वादा था कि आइनमा हजरात जो होमलेस हजरात हैं उनके लिए होम प्रोवाइड कराने का, इन तमाम मुतालबात को लेकर हम हाजिर हुए थे और मैडम ने यह तयखुन भी दिया है कि इंशाल्लाह बीजेड जमीर साहब से जल्द से जल्द इस बारे में बात करके तमाम मुतालबात को फुलफ़िल करेंगे और मैं एमएलए साहिबा और फरजुल इस्लाम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे मुतालबात को सुनने के लिए हमें अपना कीमती वक्त दिया और तमाम आइनमा हजरात तमाम मुतालबात करने के लिए यहाँ जो हाजिर हुए हैं वो तमाम बेकाबिल मुबारकबाद हैं कि अपने हक के आवाज़ के लिए यहाँ हाजिर हुए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।